डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश क्लास। एट फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम इमरान अहमद। आई विल टीच यू इंग्लिश। टुडे वी हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट इज लिटरेचर। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। द फर्स्ट इज लिटरेचर एंड द सेकेंड इज लैंग्वेज। English language. Second is English literature. English is divided into two parts, English language and literature. Most probably, like English, another language is also based on its literature and its grammar. At first, we should introduce that why it is the need of time to communicate in English. Dear students, as you know that English is an international language. It means the most probably all the countries use English. So it is the need of time to the students that we also have to learn English. On the class level of 10th, कक्षा 10 के लेवल पर भी English एक subject के रूप में है, जिसमें आपका language और literature दोनों है। ठीक, लैंग्वेज को हम ग्रामर भी समझ सकते हैं, लैंग्वेज को ग्रामर समझ सकते हैं। ठीक, तो हमको सिलेबस को पढ़ने से पहले कई बातों को जानना है। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे, वी विल ट्राई टू नो व्हाई वी शुड सिलेक्ट द सब्जेक्ट इंग्लिश इन हाई स्कूल लेवल। हाई स्कूल लेवल पर हमें इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी नीड है, रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम क्या है, हमें ये जानना होगा। तो हमने जैसे पहले बताया, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, फिर भी अंग्रेजी के माध्यम से हम ग्लोबलाइजेशन में विभिन्न देशों में, विश्व के किसी भी देश में अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी आवश्यकता है इंग्लिश पढ़ने की, जानने की, बोलने की। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आज के समय में अंग्रेजी के माध्यम से हम विभिन्न देशों में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ तक कि विश्व की जो बड़ी से बड़ी लाइब्रेरीज हैं, वो ऑनलाइन हों या ऑफलाइन हों, किसी भी स्तर पर हम किन्हीं भी भाषाओं की पुस्तकों को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वो अवेलेबल हैं। तो ये हुआ। वैसे भी आपके इंग्लिश के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बताया गया है कि इंग्लिश इज एन इवोल्यूशनरी लैंग्वेज। इंग्लिश एक इवोल्यूशनरी लैंग्वेज है, इट मींस ये दिन प्रतिदिन अपना क्षेत्र व्यापक करती जा रही, बढ़ाती जा रही है। इसका क्षेत्र जो है, स्कोप, एरिया जो है, ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए भी जानना आवश्यक है विभिन्न क्षेत्रों में, वो मेडिकल का हो, एग्रीकल्चरल हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी सेक्टर में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये रही बात इंग्लिश की। यूपी माध्यमिक बोर्ड हैज़ प्रेस्क्राइब्ड द सिलेबस फॉर द करंट एकेडमिक ईयर। जो करंट एकेडमिक ईयर में यूपी बोर्ड ने माध्यमिक का सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है, वो प्रोज और पोएट्री सप्लीमेंट्री से मिला करके लिटरेचर बनाया गया है। और सेकंड पोर्शन जो है वो ग्रामर का है, जिसे हम लैंग्वेज पोर्शन भी कहते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, किसी भी लैंग्वेज के टू पार्ट्स होते हैं। तो इंग्लिश भी एक क्या है, लैंग्वेज है, और इसके टू पार्ट्स जो हैं वो एक पार्ट है लिटरेचर और सेकंड पार्ट इसका जो है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज कहें या ग्रामर आप लोग कहते हैं इसे, और साहित्य। ठीक, तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी जो दो पार्ट्स हैं वो एक लिटरेरी पार्ट्स है, दूसरा लैंग्वेज या ग्रामेटिकल पार्ट है।
देन बी स्टडी व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज लिटरेचर. लैंग्वेज क्या है और लिटरेचर क्या है. तो लिटरेचर क्या है, लिटरेचर साहित्य, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, साहित्य. साहित्य समाज का दर्पण है. दर्पण क्या चीज होता है, मिरर, जिसमें हम देख सकते हैं. साहित्य समाज का दर्पण है. इट मींस लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी. लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी. साहित्य क्या है, द मिरर ऑफ सोसाइटी. साहित्य समाज का दर्पण है. मीन्स लिटरेचर के माध्यम से ही हम सोसाइटी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. और समाज आप समझते ही हैं, जन का समूह समाज है, जो एक कल्चर्ड लाइफ के लिए, सांस्कृतिक जीवन, सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है, वो है सोसाइटी. और सोसाइटी की हम स्टडी करते हैं साहित्य के अंतर्गत. और दूसरा पोर्शन जो है किसी भी भाषा का, वो है लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है, भाषा. हिंदी में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी. भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है. जहां साहित्य समाज का दर्पण है, वहीं भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है. समाज को समझने के लिए, जानने के लिए, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को, उनके रिलीजियस स्टैंडर्ड को, उनकी थिंकिंग व्यू, उनके थाट्स को जानने के लिए हम किस पर डिपेंड होते हैं, लिटरेचर को. किसी भी समाज को जानने के लिए हम उसके साहित्य को पढ़ते हैं, चाहे वो प्राचीनकालीन कोई भी सभ्यताएं रही हों, उनके जीवन शैली को जानने के लिए उनसे संबंधित साहित्य को हम पढ़ लेते हैं. और भाषा ये अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसके माध्यम से हमें अभिव्यक्ति मिलती है, जो गॉड गिफ्टेड है. मनुष्य को अभिव्यक्ति मिली है, सभी जीवों को अभिव्यक्ति का एक उपहार, एक गिफ्ट गॉड के द्वारा प्रदान किया गया. और ये भाषा क्या है, हमारी आपकी भी एक अपनी भाषा है. हम विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं, वह हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फ्रेंच, तेलुगु, विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं. तो हम सबसे पहले जानते हैं भाषा है क्या. भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है. इट मीन्स लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. नाउ वी कैन अंडरस्टूड डेट वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर थॉट, आवर फीलिंग्स विदाउट लैंग्वेज. अब हम समझ सकते हैं कि जब भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो हम अपनी अभिव्यक्ति को बिना किसी भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते हैं. तो हम लोगों की भाषा यहाँ क्या है, इंग्लिश है, जो एक वर्ल्ड लेवल की भाषा है, जिसके माध्यम से हमें अपनी अभिव्यक्ति देना है. और बोर्ड की परीक्षा को, माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड परीक्षा को हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है. तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाई स्कूल लेवल पर बोर्ड के विद्यार्थियों की स्टडी के लिए क्या क्या टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं. तो ये टॉपिक्स लैंग्वेज में, लैंग्वेज और लिटरेचर में डिवाइड कर दिए गए हैं. जो 70 नंबर का बोर्ड का एग्जाम होगा, 30 नंबर का आपका इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन होगा. CCE सिस्टम के अंतर्गत आपका रिटर्न भी इवेल्युएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा. और आंतरिक मूल्यांकन, जिसे हम इंटरनल बेस्ड इवेल्युएशन कहते हैं, वो आपके कॉलेज के द्वारा किया जाएगा. तो ये आज हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से मिला करके सेक्शन ए बनाया गया है. सेकंड सेक्शन, सेक्शन बी, जिसमें ग्रामर से है. फर्स्ट सेक्शन में प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से 35 मार्क्स का आएगा. और ग्रामर, ट्रांसलेशन, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, अनसीन पैसेज, ये भी 35 मार्क्स का होगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोज 15 नंबर का, पोएट्री 8 नंबर का आएगा और सप्लीमेंट्री 12 नंबर का आएगा. आइए हम दृष्टि डालते हैं एक प्रोज पर, प्रोज के सिलेबस पर. इसमें पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड, GL फुंड्स. सेकंड लेसन है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इस लेसन के अंतर्गत बताया गया किस तरह से लोगों को दासता से, स्लेवरी सिस्टम से मुक्ति मिली, किस तरह वहाँ डेमोक्रेसी डेवलप किया गया. थर्ड लेसन है द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इसमें दो चैप्टर्स हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड चैप्टर है इसका ब्लैक एरोप्लेन. फोर्थ चैप्टर है
फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है एन फ्रैंक की। फिफ्थ लेसन है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, ईवी ईस्टर। और सिक्स्थ लेसन है द 100 ड्रेसेस सेकंड पार्ट, ईवी ईस्टर का है। इस तरह से हम आगे देखते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ए वेकर फ्रॉम गोवा, इसमें दो चैप्टर्स हैं, ए वेकर फ्रॉम गोवा कॉर्ग, टी फ्रॉम आसाम, ये अरुण कुमार दत्तक इसके राइटर हैं। विजविल द वोटर, फिर मैडम राइट्स द बस। और टेंथ लेसन है द सरमन एट बनारस, बनारस सिटी का नाम आप लोग सुने ही होंगे। और इसके बाद द प्रपोजल, ये एंटन चेखो का लेसन है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे कि प्रोज का ये सिलेबस हो गया, इसी तरह से हम पोएट्री के सिलेबस को और सप्लीमेंट्री के सिलेबस को नेक्स्ट समय में देखेंगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रोज के सिलेबस का। आज की क्लास में हमने बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री लिटरेचर पोर्शन के और ग्रामर पोर्शन के डिवाइडेशन को समझा। डिटेल स्टडी हमने आज किया प्रोज पर, प्रोज के सभी लेसन्स का नाम और उनके राइटर्स का नाम हमने आज स्टडी किया। इसको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का, प्रॉब्लम्स का सलूशन तुरंत किया जाएगा। थैंक यू।